अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हदीस नंबर 67। अन अब्दुल्लाह क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजीबुद्दाइया वला तरुद्दुल हदिया वला तदरिबुल मुस्लिमीना। रवाहु इब्न हिब्बान। किताबुल हदरी वल इबाहा। अन अब्दुल्लाह क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजीबुद दाइया वला तरुद्दुल हदियता वला तदरिबुल मुस्लिमीना। सैयदना अब्दुल्लाह रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दावत देने वाले की दावत को कबूल करो, तोहफा मत लौटाओ और मुसलमानों को मत मारो, यानी मारो नहीं। हदीस की वजाहत। अन अब्दुल्लाह क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अजीबुद दाइया, दाई का जवाब दो। दाई का लफ्ज दावत से है और अजीब हो यानी एक्सेप्ट करो, जैसे कुरान मजीद में आता ना, उजीबु दावत दाई, मैं जवाब देता हूं यानी मैं एक्सेप्ट करता हूं पुकारने वाले की पुकार को, दाई की दुआ को। तो यहां दाई से मुराद होस्ट है, कोई भी शख्स जो आपको दावत दे और अपने घर बुलाए, मसलन खाने की दावत दे या कोई वलीमा की दावत है या किसी खास मौके की मुनासबत से कोई दावत है। तो दावत एक जरिया है सोशलाइज करने का, इकट्ठे होने का, आपस की मोहब्बत बढ़ाने का। तो इसलिए अगर कोई शख्स आपको दावत देता है तो आपके जिम्मे आता है, यानी मुसलमान का मुसलमान पर हक यह है कि वो बगैर किसी शरई उजर के दावत को ना ठुकराए, उस दावत को कबूल करे, क्योंकि दावत का जवाब देना ऐसा हक है जिसे तर्क नहीं किया जा सकता, छोड़ा नहीं जा सकता। सुनन नबी दाऊद की एक रिवायत में आता है, अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खम्सुन तजिबु लिल मुस्लिम अला अखीहि रद्दुस सलाम व तशमीतुल आतिस व इजाबतुद दावा व इयादतुल मरीद व इत्तिबाउल जनाइस। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 चीजें मुसलमान पर मुसलमान भाई के लिए वाजिब हैं, यानी एक के दूसरे शख्स पर हक है। ये हुकूकुल इबाद में से है। हम कितना डंडोरा पीटते हैं हुकूकुल इबाद का और ये नहीं पता होता कि हुकूकुल इबाद है क्या। तो ये हुकूकुल इबाद या हुकूकुल मोमिन में से है। वो क्या है? सलाम का जवाब देना, अभी जैसे हमने पढ़ा, छींकने वाले का जवाब देना। जब किसी को छींक आए तो उसे क्या कहना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह। छींकने वाले को खुद अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। जो सुने अल्हम्दुलिल्लाह को वो कहे यरहमुकल्लाह, यानी जो अल्लाह की तारीफ करे उस पर अल्लाह की रहमत हो। व इजाबतुद दावा, और दावत कबूल करना। व इयादतुल मरीज, मरीज की इयादत करना। व इत्तिबाउल जनाइज, जनाजा के पीछे चलना। इसी तरह एक और हदीस में आता है, इब्न उमर से रिवायत है, क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतु दावत इज़ा दुईतुम, जब तुम्हें दावत के लिए बुलाया जाए तो दावत के लिए आओ, यानी बुलाने वाले की बात को रद्द ना करो, रिजेक्ट ना करो, कतई ताल्लुकी ना करो। बाजू का ऐसा होता है कि इंसान बीमार होता है तो दावत में पकाए जाने वाले खाने नहीं खा सकता, होता है ना सर, या डाइटिंग पर होता है या कोई और वजह होती है। तो आप ये कह के कि मुझे खाना नहीं खाना इसलिए मैं नहीं आ रहा, तो ये कोई माकूल रीजन नहीं है। अगर ना भी खाना हो तो भी चला जाए, मुलाकात के लिए चला जाए, ज्यादा वक्त ना हो थोड़ी देर के लिए चला जाए, लेकिन हाजिरी लगाए। हजरत जाबिर से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसे दावत दी जाए उसे चाहिए कि कबूल करे, फिर अगर चाहे तो खाना खाए और चाहे तो छोड़ दे। यानी अगर कुछ भी ना खाना चाहे तो भी ठीक है, लेकिन उसकी भी कोई माकूल वजह होनी चाहिए, कोई रीजन होनी चाहिए। अगर हर चीज नहीं भी खा सकते और मेजबान इसरार कर रहा है तो कुछ ना कुछ जरूर चख लें। कोई आपको ग्लास ऑफर कर रहा है पानी का या किसी ड्रिंक का और आपको नहीं पीना तो भी आप उससे ले लें और मेज पर रख दें। यानी कर्टिसी में से क्या है कि आप ले लें उसको, क्योंकि हो सकता है वो गरीब यही अफोर्ड कर सकता हो। मसलन अगर कोई आपको ड्रिंक पेश करता है और आपको मालूम है कि उसमें जो कलर है वो आपकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं, या जितनी शुगर उसमें होती है वो आपको नुकसान देगी, तो आप क्या कर सकते हैं कि जब वो आपके सामने लाए तो ले लें और रख दें। फिर वो अगर आपसे पूछे कि आप पी क्यों नहीं रहे तो आप बता सकते हैं कि मुझे ये मना है। फिर इसी तरह यह है कि खाने में भी बाज़ औक़ात ऐसी चीजें होती हैं कि जो इंसान नहीं खा सकता। मसलन एक शख्स जिसने कभी मिर्च ना खाई हो, अब तो मिर्चें ना खाने वाले भी शौक से खाते हैं, लेकिन ये कि बाज लोग बाज चीजें नहीं पसंद करते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज चीजें नहीं खाते थे, लेकिन आपने उनको हराम नहीं करार दिया। तो ऐसी सूरत में इंसान अगर नहीं खाना चाहता, उसकी मर्जी के खिलाफ है वो खाना, तो ना खाए, लेकिन दावत में जरूर जाए। क्योंकि ये ना सोचे कि अच्छा खाना तो खाना, नहीं तो जाना किस लिए, खाना ही तो जाना था और खा नहीं सकते तो फिर दावत किस काम की। नहीं, दावत का मकसद अलग है। उसका मकसद सिर्फ खाना खाना नहीं है। उसका जो असल मकसद है वो क्या है? आपके ख्याल में क्या है दावत का मकसद? जब आप किसी को अपने घर बुलाते हैं, दावत पे बुलाते हैं, तो आपके जहन में क्या होता है? क्यों बुला रहे हैं जी? मुलाकात के लिए। और क्या रीजन होती है आप बताइए? हाँ, अच्छे ताल्लुकात के लिए और मोहब्बत बढ़ाने के लिए। पीछे जी हाँ, बाज़ औक़ात ताल्लुकात में थोड़ी सी दूरी आ जाती है, रिश्तेदार एक दूसरे से खफा खफा रहने लगते हैं, क्योंकि बाज़ों का रीजन कुछ भी नहीं होती। ऐसे शैतान वसवसे डालने लगता है, वो तो तुमसे नाराज होगा इसीलिए आज तक उसने शक्ल नहीं दिखाई, या कोई वजह होगी, हालांकि कोई वजह नहीं होती। तो उन वसवसों को और उन चीजों को दूर करने के लिए भी एक अच्छा मौका होता है ताल्लुकात की तजदीद के लिए। यानी एक तरह से दूरी आने लगती है, और जब आप देखते हैं कि मसलन आपका कोई रिश्तेदार या दोस्त एक अरसे दराज के बाद आपके शहर में और आपको मालूम होता, तो आप आमतौर पे क्या कहते हैं? चाय पे या खाने पे या मुलाकात के लिए बुला लेते हैं या चले जाते हैं। तो ये एक इस्लामी अखलाक का हिस्सा है, ठीक है। और क्या वजह होती है? खैर खैरियत, और दूसरा ये कि एक दूसरे से बहुत कुछ सीखने का भी मौका मिलता है, एक दूसरे को जानने का भी। अभी रिसेंटली इत्तफाक ये हुआ कि मैं अबू धाबी में गई हुई थी, तो एक पुरानी दोस्त और अजीजा ने इसरार किया कि आप मेरी तरफ भी आए। मैंने कहा कि अच्छा, कोशिश करती हूँ, देखती हूँ क्या होता है। यानी चूंकि इंसान अकेला नहीं होता सफर पर, और भी लोग साथ होते हैं, तो बाज़ औक़ात आप अपनी मर्जी से डिसीजन नहीं लेते, सबको साथ लेके चलना होता है। उन्होंने एक और अट्रैक्शन दिया, आप आए मैं आपको कुछ एक्सरसाइज सिखाऊंगी। तो मैंने कहा कि ये तो दावत जरूर कबूल करनी चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं होता कि खाने की दावत पर बुलाए तो जाए। अगर कोई कहता है कि आए हमारे घर में एक दर्स हो रहा है मसलन, या आया आपको किसी फलां चीज सिखाने के लिए कोई आया है, या कोई खास चीज है जो आप दूसरों के साथ शेयर करना चाहते हैं, भले रमजान का मौका है, रोजा है सबका आपको पता है, लेकिन रमजान में खाने के अलावा कई और चीजें, रूहानी खाना भी हो सकता है। तो बहरहाल मैंने कहा चली जाती हूँ। आप यकीन करें कि उन्होंने इतनी अच्छी स्ट्रेचेज मुझे सिखाई, और उस दिन से मैं कर भी रही हूँ और मुझे इतना फायदा हुआ उससे। तो उससे मैं आज भी मैं उनको दुआएं दे रही थी बैठ के। होता है ना, जब किसी से फायदा पहुंचता आपको, तो आप उसके एहसान का बदला बाज़ औक़ात नहीं दे सकते किसी मादी शक्ल में, लेकिन आप दुआ तो दे सकते हैं। क्योंकि जब कोई किसी के एहसान पर जज़ाकल्लाहु खैरा कह देता है, तो वो उसका बदला और ज्यादा कर देता है उसके साथ। तो हम एटलीस्ट किसी भी मोहसिन के लिए दुआ जरूर कर दें। तो आपको नहीं मालूम कि आप किसी की दावत एक्सेप्ट करें तो आपको अल्लाह ताला वहां से क्या खैर पहुंचाए या आपके जरिए उनको क्या खैर पहुंचाए। अगर आप अकेले बैठे हैं, दुनिया से आपने बेरगबती कर लिया और किसी गार में जाके छुप गए हैं और वहां अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, ना आप किसी को कोई फैस पहुंचा रहे हैं, ना आपको कोई फैस पहुंचा रहा है, ना आप किसी से मोहब्बत करते हैं, ना कोई आपसे मोहब्बत करता है, तो ये कोई दीनी तरीका नहीं है। हमारे दीन में एक तरफ जहां अल्लाह के हुकूक है, वहां दूसरी तरफ बंदों के हुकूक भी हैं। और अगर कोई खुलूस दिल के साथ आपको दावत दे रहा है और आपको पता है कि वो आपको कुछ दे नहीं सकता या वो उस स्टैंडर्ड का नहीं खाता जो आप खाते हैं अपने घर में, या अल्लाह ने जो आपको दिया या उसके बैठने की जगह वैसी नहीं है जो अल्लाह ने आपको दी है, तो भी अपने से रुतबे में, मर्तबे में, मालो दौलत में या किसी भी एतबार से अगर कोई कम है तो उसकी दावत भी कबूल करनी चाहिए। ये असल में क्या है, एक तरह से यानी एक कनेक्शन जाहिर करता है। फिर इसीलिए रोजादार होने के बावजूद भी दावत कबूल करनी चाहिए। अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दावत के लिए जब कोई बुलाए तो कबूल कर लो। नाफे कहते हैं कि अब्दुल्लाह बिन उमर, शादी की दावत होती या शादी के अलावा कोई दावत होती, वो उसमें रोजादार होने के बावजूद चले जाते। बाज लोग नफली रोजे रखते हैं, एक दिन रोजा रखते हैं, एक दिन नहीं रखते, या सोमवार जमेरात का रखते हैं, या महीने में 3 रोजे रखते हैं, और उनका वो मामूल होता है, वो उसको छोड़ना नहीं चाहते। और इतने में कोई बीच में ऐसी दावत आ जाती है कि जिसको भी नहीं छोड़ा जा सकता। तो ऐसी सूरत में अगर आपकी रोजे की रूटीन है तो आप बता दीजिए कि मैं आ जाऊंगी लेकिन मैं रोजे से हूं। हत्ता के रोजा अगर नफली है तो दावत पर उसको भी वहां इफ्तार किया जा सकता है, दिन के वक्त भी, यहां तक की इजाजत है। यानी अगर आप नफली रोजे से और कोई आपको कहता है कि खाइए और वो खा रहा है तो आप साथ शरीक हो जाएं। जी जी, रोजा खोल सकते हैं उस वक्त, नफली रोजा, फर्ज नहीं। अच्छी तरह सुन लीजिए वरना मुझ पर फतवा आ जाएगा कि ये अगर आपने फर्ज की कजा रखी हुई है तो भी ना तोड़े, ठीक है, लेकिन नफली रोजा, रूटीन का रोजा जैसे आप रखते हैं। फिर इसी तरह जब दावत का एहतमाम हो तो उसमें हर तबके के लोग होने चाहिए। यानी अगर मसलन खानदान की दावत है तो अमीर गरीब सब। इसी तरह आपकी ताल्लुकदारी में हर तरह के लोग हैं, कोई बड़े मर्तबे वाले हैं, कोई आपकी बराबरी के लोग हैं, कोई आपसे कमतर दर्जे के हैं, तो उन सबको बुलाया जा सकता है। अबू हुरैरा कहते हैं, जिस वलीमा में उमरा की दावत हो और गुरबा ना बुलाए जाएं, वो खाना सबसे ज्यादा बुरा खाना है। यानी जिसमें सिर्फ और सिर्फ अमीर लोगों को दावत दी जाए। फिर दावत कबूल ना करना, रिजेक्ट कर देना, अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी। अबू हुरैरा कहते हैं कि जो शख्स दावत छोड़ दे, यानी कबूल ना करे, गोया उसने अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी की। लेकिन कौन सी दावत छोड़ी जा सकती, किस दावत में इंसान ना जाए तो कोई बात नहीं, या नहीं जाना चाहिए। इब्न उमर ने एक मरतबा अबू अय्यूब रजी अल्लाह अन्हु की दावत की। इब्न उमर कौन है, किसके बेटे? उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के, अब्दुल्ला बिन उमर। तो उन्होंने अबू अय्यूब की दावत की। अबू अय्यूब कौन थे? जिनके घर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम फरमाया था, मदीना में जब आप हिजरत करके गए थे। अबू अय्यूब अंसारी जिनको कहते हैं, उनके घर गए। उनके घर में, किनके घर में? इब्ने उमर के घर में दीवार पर पर्दा पड़ा हुआ देखा। तो इब्ने उमर ने थोड़ी एक्सक्यूजेस पेश की कि हमें औरतों ने मजबूर कर दिया है। तो अबू अय्यूब कहते हैं कि और लोगों के मुतल्लिक तो मुझे इसका खतरा था, लेकिन तुम्हारे बारे में मुझे ख्याल नहीं था कि तुम भी ये करोगे। वल्लाह मैं तुम्हारे यहाँ खाना नहीं खाऊंगा। अब ये नहीं मिलता कि उस पर्दे पे क्या था। ऑब्वियसली कोई ऐसी चीज होगी कि जो शरीयत के खिलाफ होगी, वरना खाली पर्दा लटकाने में तो मान्यत नहीं है, पर्दे के कई मकासद होते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे यहाँ खाना नहीं खाऊंगा। यानी कि लोगों के दर्जे होते हैं ना, यहाँ ये बात गौर से सुनिए, लोगों के दर्जे होते हैं, इल्म के एतबार से, माल के एतबार से, तकवा के एतबार से, दीनदारी के एतबार से, दीनी रहनुमाई के एतबार से। एक आम सीधा साधा मुसलमान दीनदार है, उसकी बात कुछ और है, उसको इतनी दीन की समझ नहीं है, उसका मामला कुछ और है, उससे आप और तरह डील करेंगे। लेकिन एक शख्स जिसको अच्छी तरह दीन की समझ है, उससे आपकी एक्सपेक्टेशन कुछ और होगी, उससे आप और तरह डील करेंगे। तो जब अबू अय्यूब ने देखा कि इब्ने उमर ने ऐसा किया है, तो इब्ने उमर का मकाम बहुत बड़ा था। खुद हजरत उमर के बेटे होने के अलावा अब्दुल्ला बिन उमर जो हैं, हदीस की रिवायत आप देखिए, और एक खास उनका मकाम है इल्म की दुनिया में, तकवा में, जुहद में, इबादत में। तो उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता था कि उनके घर में ऐसी कोई चीज हो, तो उस पर उन्होंने उनसे बायकॉट किया, नाराजगी की और जाकर वापस आ गए। फिर इसी तरह उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के आजाद करदा गुलाम असलम थे, वो कहते हैं कि हजरत उमर जब शाम गए, कब गए थे? जब बैतुल मक़दिस फतह हुआ था, तो ईसाइयों के एक आदमी ने, उस वक्त आपके हाथ में कुंजियां दी गई थी ना बैतुल मक़दिस की, तो उनके एक आदमी ने आपके लिए दावत का एहतमाम किया, कहा कि मैं चाहता हूं कि आप और आपके साथी हमारे पास आएं और हमारी इज्जत अफजाई करें। अच्छा, ये जो दावत कबूल करना है, ये दरअसल दूसरे की इज्जत अफजाई करना है, तो यहां पर वो रीजन भी बताता है, और ये ईसाइयों के बड़े लोगों में से था। तो हजरत उमर ने फरमाया कि तुम्हारे गिरजों में लगी हुई तस्वीरों की वजह से हम इनमें दाखिल नहीं होंगे। हो सकता है उसने दावत जो है वो चर्च के अंदर की हो और उसके अंदर ऐसी तस्वीर थी। अब हजरत उमर वहां नहीं गए, इसका ये मतलब नहीं कि कोई और भी किसी चर्च में कदम नहीं रख सकता, या जाके देख नहीं सकता, या किसी से बात नहीं कर सकता, या किसी ऐसी जगह पर एंटर नहीं हो सकता। यहां किस चीज का फर्क है? हजरत उमर के मकाम, मर्तबे का, क्योंकि वो मुसलमानों के खलीफा हैं, फातिह भी हैं, मुसलमानों के अमीर भी हैं, और हजरत उमर का अपना एक मिजाज भी है। तो लोग आंखें बंद करके हजरत उमर के पीछे चलने वाले हैं। अब अगर हजरत उमर ऐसी जगह पर दाखिल होते हैं तो इसका मतलब क्या है कि बाकी सारे अवाम वही कुछ करने लगेंगे, क्योंकि लीडर्स के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है, जो कुछ वो करते हैं उनके फॉलोअर्स वही करने लगते हैं। तो इसलिए उन्होंने उस लेवल पर इस दावत को रिफ्यूज कर दिया और उसकी रीजन भी बता दी कि मैं इस वजह से नहीं आऊंगा। तो जब आप किसी की दावत पर ना जाएं तो भी वजह बता दें, जाकर वापस आ जाएं तो भी वजह बता दें, और वो वजह वाकई कोई माकूल वजह होनी चाहिए। खुसूसी तौर पर अगर किसी मजलिस में अल्लाह के अहकामात का मजाक उड़ाया जा रहा, ये कुरान मजीद में भी आपने पढ़ा था, जिसमें आता है ना कि अगर तुम देखो कि किसी मजलिस में बैठकर लोग अल्लाह की आयात का मजाक उड़ा रहे हैं तो तुम वहां मत बैठो, वहां से उड़ जाओ। फिर देखो कि अगर वही लोग किसी और बात में लग गए, मजाक उड़ाना छोड़ दिया उन्होंने, तो फिर वहां बैठ सकते हो। यानी मुराद ये है कि लोगों से बायकॉट नहीं करना। किस चीज से बायकॉट करना है? गलत काम से। ठीक है। फिर इसी तरह अबू मसूद कहते हैं कि एक आदमी ने उनके लिए खाना तैयार किया और उनको दावत दी, तो उन्होंने पहले पूछा कि क्या तुम्हारे घर में कोई तस्वीर तो नहीं लटकी हुई? तो उन्होंने कहा कि हाँ। तो उन्होंने कहा कि मैं माजरत खा हूं, मैं ऐसी जगह नहीं जा सकता। तो उन्होंने वो हटा दी। तो फिर उसके बाद अबू मसूद ने दावत कबूल कर ली। फिर इसी तरह जिस दस्तरखान पर हराम चीज हो, जैसे शराब हो, तो उस पर भी नहीं बैठना चाहिए, या वो दावत भी कबूल नहीं करनी चाहिए। जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखता है वो ऐसे दस्तरखान पर ना बैठे जिसमें शराब पी जा रही हो। क्यों मना किया गया उससे? क्यों मना किया गया? हराम के करीब नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जब इंसान करीब जाने लगता है तो फिर उसमें मुब्तला भी हो जाता है। जी आप फरमाइए। मेरा एक क्वेश्चन है, मुझे दावत के लिए था कि है ना कि दावतों में हमें नहीं जाना चाहिए जहाँ पर अल्कोहल सर्व होती है, और दूसरा ये था कि जहाँ पर अल्लाह की आयतों का इनकार हो रहा है। तो थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा चाहिए था इसका कि उस जमाने में अल्लाह की आयत का मजाक उड़ाया जा रहा है। अब देखिए कि हमारे यहाँ आजकल एक फैशन बन चुका है इंटेलेक्चुअल गुफ्तगू का, और बाज़ात बहुत हाईली लर्नेड और क्वालिफाइड पीपल जो दुनिया के उमूर में बहुत समझ रखते हैं, वो दीन के बारे में भी अपनी राय का इजहार करने लगते, हालांकि वो उनका फील्ड नहीं होता। कुछ चीजें उनको समझ ही नहीं आई होती कि उनका बैकग्राउंड क्या है, ना उन्होंने थॉरली कुरान मजीद पढ़ा होता है, ना ही कोई हदीस पढ़ी होती है, ना किसी से उसका मफहूम समझा होता है, लेकिन वो क्या करते हैं कि उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। उसमें आप देखिए कि बाज़ात तकदीर के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं, हालांकि मना किया गया उससे, एक हद से ज्यादा आप उसको गुफ्तगू नहीं कर सकते। इसी तरह बाज़ात इस्लाम में जो चार शादियां हैं और कुरान की उन आयात का मजाक उड़ाया जाने लगता है, और फिर एक एक चटकला छोड़ता है, दूसरा दूसरी बात करता है, तीसरा तीसरी करता है। अब जब आप वाज़े तौर पर सरीहन किसी मजलिस में देखते हैं कि लोग अल्लाह की आयात का मजाक उड़ा रहे हैं, अल्लाह की बातों का और दीन का, ये दीन के शायर का, तो उस मजलिस में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, वहां से उठ जाना चाहिए, यानी एक तरह से उस मजलिस का बायकॉट करना चाहिए। हाँ, अगर वो उस टॉपिक को छोड़कर कोई और टॉपिक शुरू कर देते हैं तो फिर आप दोबारा उनसे गुफ्तगू कर सकते हैं, क्योंकि बाजू में ऐसा होता है ना, एक बहस चल रही होती है तो आप उसको रोक नहीं सकते, और आपकी आवाज वहां कारखाने में तूती की आवाज की तरह इतने सारे लोग एक ही चीज पे लगे हुए हैं, तो आप अगर कुछ कहें भी तो वो आपकी बात सुनने को भी तैयार नहीं होगी, बल्कि आपके रिएक्शन से हो सकता है वो उससे भी बड़ी कोई गाली दे दें दीन को या दीन वालों को या खुदा रसूल को, तो फिर आप जरिया बन जाएंगे उस चीज का मजाक उड़ाने में। इसलिए ऐसी जगहों पर भी नहीं जाना चाहिए। बाज़ ऐसी कॉन्फ्रेंसेस, ऐसी डिस्कशन इल्म के नाम पर और स्किल्स के नाम पर, तो इन सब चीजों से परहेज करना जरूरी है। तो ये थी दावत से मुतल्लिक चीजें। हदीस का दूसरा हिस्सा है वला तरुद्दुल हदिया। अच्छा, हम लोग हदिया कहते हैं उर्दू में, लेकिन अरबी प्रोनाउंसिएशन हदिया है, ठीक है? तो इसलिए जब सुनाए अरबी हदीस तो फिर आप इसको सही प्रोनाउंस कीजिएगा। वला तरुद्दुल हदिया, हदिया ना लौटाओ, तोहफा रिजेक्ट ना करो। क्यों? इसकी क्या वजह है? इससे क्या होता है जब आप किसी का तोहफा कबूल नहीं करते? देने वाले की दिल शिकनी होती है, ताल्लुकात खराब होते हैं, अपने आप को आप बड़ी चीज समझते हैं, और या तो तोहफे को हकीर समझ कर लौटा दिया जाता है कि ये मेरी शान के खिलाफ है, और ताल्लुकात की खराबी का बायस होता है, नाराजगी का इजहार होता है। असल में तोहफा है क्या? मोहब्बत के इजहार का एक जरिया है। तो जब तोहफा ठुकरा दिया तो इसका क्या मतलब है कि मोहब्बत ठुकरा दी। तो इसलिए जैसे दावत को रद्द नहीं करना चाहिए, ऐसे तोहफे को भी रद्द नहीं करना चाहिए। ना भी पसंद आए तो ले लें, अगर आपके इस्तेमाल का नहीं हो सकता, बहुत कीमती चीज हो लेकिन आपके इस्तेमाल की नहीं, तो आप उसको दे दें जो उसको इस्तेमाल कर सकता। बहुत से ऐसे मौके आते हैं, सुन्नत से हमें पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चीज एक के लिए पसंद नहीं की, लेकिन उसको साथ ही कह दिया कि तुम ये फुलां को दे दो, ये फुलां को दे दो। हजरत इब्राहीम अलैहि सलाम के पास जब फरिश्ते आए थे और वो खाना नहीं खा रहे थे, तो इब्राहीम अलैहि सलाम का रिएक्शन क्या था? डर गए थे। औजस मिनहुम खीफा, उनके दिल में खौफ आया कि भाई पता नहीं क्या वजह है। तो उस खौफ की क्या वजह थी? क्योंकि अरबों के यहाँ, उनकी रिवायात में किसी के यहाँ खाना ना खाने का मतलब क्या है? दुश्मनी। तो इसी तरह तोहफा लौटाना या रद्द करने का मतलब क्या है कि ताल्लुकात खत्म। मसलन मंगनी होती, उस पे तोहफों का लेन देन होता है, लेकिन वो तोहफे कब वापस कर दिए जाते हैं? जब मंगनी खत्म की जाती है। इसी तरह शौहर शादी के मौके पर बीवी को क्या देता है? मेहर देता है। बीवी वो मेहर लौटाती है कब? जब वो क्या करना चाहती है? खुला लेना चाहती है, अलग होना चाहती है, ठीक है? तो ये तो खास मौके हैं, लेकिन इससे पता क्या चलता है कि ये लेन देन में जो इनक़िता है इसका सबब बायकॉट है, ठीक है? तो आम मौके पर भी यही उसूल अप्लाई होता है। जी देखिए, वो माफ करने की बात आती है, लौटाना यहाँ एक खास कॉन्टेक्स्ट में लौटाने की बात कर रही हूं मैं। लौटाने में और माफ करने में बड़ा फर्क है। ना लेना, माफ करने से मुराद क्या है? ना लेना, यानी कि उसने नहीं दिया तो वो कहे अच्छा कोई बात नहीं, आप रखिए, मैं नहीं लेती, ठीक है? ये माफ करना। लेकिन लेने के बाद फिर ये कह के देना कि ये है आपका मेहर और मैं आपके साथ रहना नहीं चाहती, क्योंकि खुला की शरायत में से है कि जो लिया हुआ वापस दिया जाए, वरना तो तोहफा दे के वापस लेना क्या है? जैसे कुत्ते का कै करके उसको खुद ही चाट लेना, इंतहाई मकरूह फेल। इतनी गंदी चीज है कि किसी को दे के फिर उससे कहना वापस लाओ। जी जी हाँ, वो ठीक है। मिसाल के तौर पर आजकल शादी कार्ड्स के ऊपर लिखा हुआ था कि नो गिफ्ट्स या नो बॉक्सेस, नो बॉक्स गिफ्ट्स, समथिंग लाइक दैट। तो उसमें क्या है कि ठीक है, वो उनकी अपनी चॉइस है, आपने दिया नहीं उनको, कि वो आपको उस वक़्त वापस दे रहे हैं। समझिए रद्द करने को, रद्द करना क्या है? लेकर वापस देना, देख कर वापस लौटाना। पसंद नहीं आया जी। बिल्कुल नेचुरल है ना। हाँ, रिजेक्ट नहीं किया, एक्सचेंज करने को कहा, क्योंकि हो सकता है कि वो शख्स कपड़े का कारोबार करता हो, तो चेंज करने में कोई हर्ज नहीं है कि ये नहीं, ये छोटा है साइज, वो तुमने स्वेटर भेजा था वो साइज मुझे तंग हो गया है, तो उससे बड़ा नंबर भेज दो। बाज़ात बेतकल्लुफी होती है, बहन भाइयों के बीच में होती है, तो कोई हरज नहीं। बजाय इसके कि आप शर्मा के आप ना खुद पहने और ना उसको इस्तेमाल करें और उसकी कदरदानी ना करें, है? तो ऐसा किया जा सकता है। अब आप देखिए कि ये सुन्नत नबवी है, यानी तोहफा को कबूल करना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है, सुन्न नबी दाऊद की रिवायत है कि आप हदिया कबूल भी कर लेते थे और बदले में देते भी थे, उसका एवज भी देते थे। काना यकबलुल हदिया था वो युसीबु अलैहा, क्योंकि तोहफों का तबादला जो है वो मोहब्बत को बढ़ाता है। तहादु तहाबू। अब ये होता है कि जैसे ये जो भी बात हुई थी ना कि शादी में पहले से कह देते हैं कि नहीं बॉक्स गिफ्ट नहीं लाएं, उसकी कई एक वजूहात हो सकती। बाजू का तो आप देखिए कि अगर शादी में बहुत सारे लोग आ रहे हों और बहुत सारी चीजें इकट्ठी हो जाए, तो उनके सिर्फ संभालने और सॉर्टिंग और उनको किसी ठिकाने करने में भी एक बहुत बड़ी एफर्ट लग जाती है। दूसरी बात यह है कि बाज़ औक़ात जिन बच्चों को वो तोहफे दिए जा रहे होते हैं उन्होंने इस मुल्क में रहना ही नहीं होता। कई दफा शादियां ऐसे भी होती है ना, बाहर से बच्चे आए, शादी हुई, चले गए। अब अगर आप उन बच्चों को ऐसे तोहफे दे रहे हैं कि जो वो अपने सामान के साथ ले जा ही नहीं सकते या वो उनकी जरूरत ही नहीं है, तो ये तोहफे क्या है? दूसरे की मोहब्बत बढ़ाने का जरिया नहीं है, बल्कि उनके ऊपर बोझ लादने का जरिया है। तो ऐसी चीज से भी परहेज करना चाहिए कि जो दूसरे के लिए बोझ बन जाए, क्योंकि तोहफा असल में मोहब्बत बढ़ाने का जरिया है। हजरत अनस से रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मेरे बेटे, उनको आप बेटा कह के पुकारते, एक दूसरे से दिया लिया करो, यानी लेना देना होना चाहिए, लेन देन होता रहे, ये तुम्हारे माबैन बायसे मोहब्बत होगा। तो असल मकसद तोहफे का मोहब्बत बढ़ाना है, लेकिन जहां तोहफा मोहब्बत बढ़ाने नहीं घटाने का जरिया बन रहा है, तो उसके ऊपर भी गौर फरमाना चाहिए, क्योंकि फिर वो सुन्नत नहीं कायम हुई, वो रूह नहीं पैदा हुई, मकसद नहीं पूरा हुआ। तो जब मकसद ही पूरा नहीं हो तो वो अजर जो इस पर है उसको भी इंसान खो देता है। इसी तरह कुछ तोहफे ऐसे हैं जिनको किसी हाल में भी रद्द नहीं करना चाहिए, यानी कुछ तो किए जा सकते हैं, लेकिन कुछ के बारे में बोलकर कहा गया कि ये नहीं रद्द करने। इब्न उमर से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीन चीजें रद्द नहीं की जाती, तकिया यानी कुशन, खुशबूदार तेल या खुशबू जैसे, और दूध, मिल्क का तोहफा। आपको तो एकदम ख्याल गया होगा वो सुपरमार्केट में पड़े हुए दूध के डब्बों का। अब देखिए कि अरब कल्चर में या आमतौर पर जो लोग खुद जानवर पालते हैं और उनकी गाय भैंसे होती हैं या ऊंट वगैरह या बकरियां, तो उनके पास देने के लिए क्या होता है? दूध होता है, वो दूध बेचते हैं। गांव वगैरह में अब भी ये होता है, या आप जिन लोगों के फार्म हाउसेस हैं या वो सब्जियां उगाते हैं, तो अमूमन वो ऑर्गेनिक सब्जियां बहुत कीमती तोहफा होती हैं। तो यहां भी क्या बताया जा रहा है कि ऐसी चीजें जो हर एक के इस्तेमाल की हैं उनको मत लौटाओ, लेकिन कुछ तोहफे कबूल नहीं करने चाहिए। और वो कौन से हैं? अबू उमामा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने अपने किसी मुसलमान भाई की सिफारिश की और फिर वो उससे सिले में कोई हदिया भेजे और वो ये कबूल कर ले, तो बस वो सूद के एक बड़े दरवाजे में दाखिल हो गया। यानी आपने किसी का काम करवाया, सिफारिश की, क्योंकि अच्छी सिफारिश जो है वो भी एक सदका है, एक नेकी का काम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, सिफारिश किया करो तो अजर पाओगे। एक शख्स है, कमजोर है, मिस्कीन है, उसका काम रुका हुआ है, अटका हुआ है, मुश्किल में है, और आपके पास अथॉरिटी है या किसी भी तरह की कोई से है, कहीं कोई बात मानता है आपकी, और आपको पता है कि अगर आप बात करेंगे तो दूसरा मान जाएगा, तो ऐसी सूरत में इंसान पीछे ना रहे। ये भी नेकी कमाने का एक मौका है, लेकिन ये नेकी बेगर्ज होनी चाहिए। किसी मजलूम की मदद करके फिर आप उससे कुछ कबूल करने ना बैठ जाएं या आस लगा के ना बैठे, बल्कि वो कुछ दे भी तो उसे ना लें, क्योंकि वो रिश्वत में आता है, सूद में नहीं आता, रिश्वत में आता है। लेकिन यहाँ ये क्या फरमाए, सूद के एक बड़े दरवाजे में दाखिल हो गया, यानी ये भी एक तरह से हराम चीजों में से, जैसे सूद हराम है तो रिश्वत भी हराम है।